यस बेटा, तो एमआरएनए डीएनए से एमआरएनए कंटीन्यूअस बन रहा है, 3-5 से हमारा 5-3 कंटीन्यूअस बन रहा है। कौन सा एंजाइम बना रहा है? आरएनए पॉलीमरेज। जहां भी डीएनए के पास ऐसी सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिलेगी, जीजीजी सीसीसी एंड पॉलीयू, क्या आरएनए पॉलीमरेज इस सीक्वेंस को क्रॉस कर सकता है क्या डीएनए पॉलीमरेज की? क्योंकि ये तो कैसी सीक्वेंस है? सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री। ये सीक्वेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे ही है, जीजीजी सीसीसी। तो ये सीक्वेंस आपस में ही पेयर कर लेगी और एक पिन की तरह स्ट्रक्चर बना लेगी। इसे हम बोलते हैं हेयर पिन लूप, जिसको आरएनए पॉलीमरेज क्रॉस नहीं कर सकता, दैट इज फॉलोड बाय पॉली। तो यहीं पर ट्रांसक्रिप्शन की क्या हो जाएगी? टर्मिनेशन। ये तो है रो इंडिपेंडेंट, यहाँ पे किसी प्रोटीन का रोल नहीं है। खुद सीक्वेंसेस किसकी तरह काम कर रही है? ट्रांसक्रिप्शन हर्डल की तरह। क्या बना लेंगे? एक हेयर पिन लूप। डीएनए में जहां भी ऐसी सीक्वेंस मिलेगी आरएनए पॉलीमरेज, वहां से ट्रांसक्रिप्शन को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा और ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगी। नेक्स्ट केस है रो डिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन का। रो डिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? रो प्रोटीन का रोल होता है। रो प्रोटीन आरएनए पॉलीमरेज के साथ 5-3 मूव करता है, और जहां पे भी इसे टर्मिनेशन साइट्स मिलती है, ये आरएनए डीएनए हाइब्रिड को, क्योंकि डीएनए से आरएनए बन रहा है तो हाइब्रिड के साथ साथ चल रहे हैं दोनों, तो जहां भी इसे टर्मिनेशन सीक्वेंसेस मिलेंगी, ये आरएनए डीएनए हाइब्रिड को अलग अलग कर देगा, आरएनए पॉलीमरेज को निकाल देगा, तो ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगी? स्टॉप। तो यहां पर ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप कौन कर रहा है? रो प्रोटीन। इसीलिए ये कैसी ट्रांसक्रिप्शन है? रो डिपेंडेंट। और वहां पर ट्रांसक्रिप्शन खुद सीक्वेंस से स्टॉप हो रही थी। सीक्वेंस क्या बना रही थी? एक हेयर पिन लूप, दैट इज कॉल्ड रो इंडिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं एक चैप्टर 5-7 मिनट पढ़ा।